करसोग में आईपीएच विभाग की सुस्ती लोगों पर भारी पड़ने लगी है। यहां दूर दराज के साथ गांव के सैकड़ों परिवार बिलों के हर माह भुगतान करने के बाद नाले से कंधों पर पानी लाने के लिए मजबूर है। उपमंडल के तहत केवीधार, शील, शाला, तेवन व भनोग गांव में लोगों को सर्दियों के दिनों में भी एक महीने बाद पानी की सप्लाई दी जा रही है। इतने दिनों में मात्र एक सप्लाई देने के बाद भी लोगों को पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा है। ऐसे में लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय जनता इस बारे में जेई से लेकर एसडीओ तक को शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। ऐसे में आईपीएच विभाग की लचर कार्य प्रणाली को लेकर लोगों ने सवाल उठाए हैं। लोगों का कहना है कि जब विभाग पानी की पर्याप्त सप्लाई नहीं दे रहा है तो ऐसे भला ग्रामीणों से किस बात का बिल वसूला जा रहा है। लोगों में इस बात को लेकर प्रशासन के खिलाफ भारी गुस्सा है। सात गांव के लोग पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि हर घर में बांधे गए मवेशियों के लिए भी पीने का पानी कहां से लाए। किसानों ने अपनी आजीविका के लिए घर में 20,000 या फिर इससे अधिक कीमत की जर्सी नस्ल की गाय बांध रखी है, लेकिन इनके लिए भी पानी कंधों में लाना पड़ रहा है। हालत अब ये हो गई है कि अगर समय रहते समस्या का समाधान नहीं हुआ तो लोगों के पास मवेशियों को बेचने के अलावा कोई और चारा नहीं होगा। हालांकि इस समस्या के बारे में अधिकारियों को कई बार अवगत करवाया जा चुका है, इसके बाद भी विभाग कोई सुध नहीं ले रहा है। केवीधार के अमीचंद का कहना है कि कई बार शिकायत करने पर भी प्रशासन की ओर से कोई भी अधिकारी और कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा और ना ही कोई देखरेख कर रहा है। ऐसे में लोग अब भला क्या करें? वहीं लालचंद, वीरेंद्र कुमार, करमचंद, किरत राम, तुलसीराम व जयराम का कहना है कि लोगों के छत पर रखी गई पानी के टैंक बिल्कुल खाली पड़े हैं। अधिकारी खुद मौके पर आकर स्थिति का जायजा ले सकते हैं। उनका कहना है कि इन गांव के नजदीक में पानी का कोई भी सोर्स उपलब्ध नहीं है। संबंधित आईपीएच सेक्शन के जे निशान का कहना है कि पाइपलाइन फटने के कारण इस तरह की दिक्कत पेश आई है। उनका कहना है कि लाइन की रिपेयर कर दी गई है, अब जल्द ही समस्या का समाधान हो जाएगा। यहाँ टंकी देखो सूखी है हमारी, पानी पीने कोई नहीं है इसमें। कितने टाइम से सूखी है जी? एक महीने से सूखी है जी। आता नहीं है पानी? आता ही नहीं है, बीनने के बाद आता है। उसके बाद भी कहीं भरे जाता, कहीं भरे नहीं जाता। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए करसोग से धर्मवीर गौतम की रिपोर्ट। हिमाचल के पहले 24 घंटे के डिजिटल टीवी का भव्य शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर के कर कमलों से। लाइफ टाइम्स टीवी, हिमाचल का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला डिजिटल टीवी चैनल। www.lifetimes.tv। लाइफ टाइम्स टीवी के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।